हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज और आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ना, उसकी कमी होती है। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और थायरोक्सिन हार्मोन का क्या क्या एक्शन है हमारे बॉडी पे। तो आप उस वीडियो से कोरिलेट कर सकते हो इस वीडियो को कि अगर आपके बॉडी में कमी होगी तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे और किस चीज़ की, कौन से इंग्रेडिएंट्स की कमी होगी कि आपका थायरोक्सिन फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाइए और एक बार उसको देखिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इजी सा इसका डिफिनेशन है कि हमारे बॉडी से थायरॉयड ग्लैंड जो होता है थायरोक्सिन का फॉर्मेशन कराता है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो इसके होने के कुछ कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं। सबसे पहले आपका थायरोक्सिन हार्मोन का जो कॉज अभी मैं बता रही हूँ कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है बनाने में, तो वो सारी चीज़ें अगर कम हो जाएगी तब भी हमारा थायरोक्सिन फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका थायरॉयड ग्लैंड ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आप अगर आप इंग्रेडिएंट्स नहीं दोगे, अगर किसी को कोई फूड बनाना है और आपने उसको गैस दे दिया, बर्तन दे दिया, बट आपने उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए बनाने के लिए, तो वो तब भी वो नहीं बना पाएगा। तो हमारे सबसे पहले तो हमारा डाइट ही डिस्टर्बेंस होता है। तो कॉज में सबसे पहले आ गया कि हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, या अगर हम लोग सही से आयोडीन नहीं लेते हैं, सही से फूड से कॉपर नहीं लेते हैं, और तीसरा चीज़ फिनाइल एलानिन, जो हम लोग बहुत सारी चीज़ मिल्क कर्ड इन सारी चीज़ों से ले रहे थे, अगर ये तीन चीज़ अगर हम लोग सही से नहीं लेते हैं डाइट से, तब भी हमारा थायरोक्सिन फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। चौथा फोर्थ चीज़ ये है कि अगर आपका लीवर डिस्टर्बेंस है, लीवर वीक पड़ा है किसी कारण से, तब भी आपका थायरोक्सिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। चार चीज़ हो गई। पाँचवा चीज़ जो आपको TSH की ज़रूरत पड़ी थी, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत पड़ रही थी थायरोक्सिन बनाने के लिए, तो ये TSH जो होता है ना, आपके पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। तो अगर आपका पिट्यूटरी में कोई डिस्टर्बेंस आया है, या पिट्यूटरी फेल्योर हुआ है, या हाइपोथैलमस डिस्टर्बेंस है, तब भी आपका थायरोक्सिन फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ये पांच चीज़ें अलग से हो गई। उसके साथ साथ अगर आपका थायरॉयड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हुआ है, तब भी आपका थायरॉयड ग्लैंड प्रॉपरली थायरोक्सिन नहीं बना पाएगा। इसके साथ अगर आपको क्रेटिनिज्म हुआ है, क्रेटिनिज्म में क्या होता है, कॉन्जेनाइटल आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो आयोडीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है थायरोक्सिन बनाने का, तब भी आप सफ़र करने लोगों के हाइपोथायरॉयडिज्म से। उसके साथ साथ अगर आप हाशिमोटो डिजीज़ अगर होता है आपको, हाशिमोटो डिजीज़ क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें ना थायरॉयड ग्लैंड का खुद से हमारा बॉडी डिस्ट्रक्शन करने लगता है। तो अगर घर ही डिस्ट्रक्ट होने लगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो चीज़ें बन रही थी वो नहीं बन पाएगी। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं जो कि मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन ये सारे कॉज के कारण नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हो गए। इसके साथ साथ आगे हम लोग बात करते हैं अगर सिम्टम्स के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था थायरोक्सिन हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन। तो अब क्या होगा, हमारे बॉडी से थायरोक्सिन की कमी हो गई तो वो सारे नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो मैंने बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी को एक्टिवेट करके रखता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके रखता है। सारे जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं या हमें सिग्नल्स मिलते हैं, वो सारे थायरोक्सिन हार्मोन के कारण मिलते हैं। तो अब हमारे बॉडी में कमी हो गया है तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, लेथार्जीनेस फील होगा, मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स होने लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड रहेगा। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको नर्वस सिस्टम से रिलेट कर सकते हो आप। दूसरा, अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बात करते हैं, तो मैंने जनरल में बताया था कि थायरोक्सिन जो है आपके ऐसे नोड्स को स्टिमुलेट कराता है और इम्पल्स जनरेट कराता है। तो आज आपके बॉडी में अगर थायरोक्सिन की कमी हुई है तो क्या होगा, इम्पल्स सही तरीके से जनरेट नहीं होगा, तो जो हार्ट का पम्पिंग एक्शन होता है ना, वो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, पम्पिंग डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपका पल्स रेट डिक्रीज करेगा। क्योंकि अभी पंपिंग डिक्रीज है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जिसके कारण आपका लेथार्जीनेस भी होगा, पल्स रेट डिक्रीज करेगा, बीपी फॉल करेगा। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको इजीली कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स से देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, अगर हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करता था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कराता था। तो अभी ये क्या करेगा, अपोजिट करने लगेगा। जैसे ही आपके बॉडी में
ये क्या करेगा, हमारे बॉडी से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कराएगा। मतलब कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि आपका स्टूल को बॉडी से इजिली बाहर लेके जा रहा था, अभी ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। उसके साथ साथ टेस्ट बर्ड्स पे इसका एक्शन था कि टेस्ट बर्ड्स को स्टिमुलेट करके रखता था, जो डिफरेंट टेस्टेज हम लोग साल्ट बिटर स्वीट्स ये सारे टेस्ट को ईजिली फील कर पाते थे, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, हमारा जो फीमेल का गोनेट पे इसका एक्शन था, मेंस्ट्रुअल को ये मेंस्ट्रुअल मेंसेस को नॉर्मलाइज रखने में हेल्प कराता था। तो अभी थायरोक्सिन की कमी होगी तो सबसे पहले मेंस जो है एकदम डिस्टर्ब कर जाएगा, मेंस डिस्टर्बेंस हो जाएगा और उसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। सही तरीके से रेगुलरली जो 28 डेज का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे कुछ कंप्लेंट्स है। जैसे और जो मदर लैक्टेटिंग पीरियड में उनका लैक्टेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मिल्क फॉर्मेशन जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेंसेस के ऊपर बात करते हैं, सेंस ऑर्गेन के ऊपर। तो जितने भी सेंसेस है ना, जैसे आई है उसका विजन डिमिनिस्ड हो जाएगा, उसके साथ ईयर है तो थोड़ा सा हियरिंग में प्रॉब्लम होगा, टेस्ट बर्ड्स में प्रॉब्लम होगा और स्किन के ऊपर इसका एक्शन था, स्वेट ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड से सीबम का प्रोडक्शन कराता था। तो अभी ये क्या होगा, सीबम के प्रोडक्शन इसमें डिक्रीज हो जाएंगे। तो जो भी लोग हाइपोथायरायडिज्म से सफ़र करते हैं उनका स्किन बहुत ही ड्राई और रफ बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी से सीबम प्रोडक्शन ही थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारे एक्शंस हैं डिफरेंट ऑर्गेन्स के ऊपर, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। उसके साथ साथ इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में ना, पर्सन के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जिससे क्या होगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसी कारण से क्या होता है कि जो इसके पेशेंट्स होते हैं उनका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि उनके बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड होने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रोटीन के आ जाने से, तो उनका वेट बढ़ने लगता है। और सबसे पहले वो जो स्वेलिंग है फेस से ही स्टार्ट होता है, फेस पहले स्वेल करेगा, धीरे धीरे बॉडी स्वेल करेगा और आपको ऐसा फील होगा कि आपका वेट बढ़ रहा है। और इसमें क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका खाना जो है वो सही तरीके से आप खाओगे बट वो एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, फूड जो है इधर उधर स्टोर हो रहा है। स्टोर होने से क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है और इससे क्या होगा, आपका जो वेट है वो धीरे धीरे राइज करने लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से रखना, और ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन ही रखता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको हाइपोथायरायडिज्म में देखने को मिलेंगे। हेयर फॉल्स भी हो सकता है इसमें, क्योंकि आपके डिफरेंट जो पार्ट्स है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है थायरोक्सिन, तो आपको थोड़ा बहुत हेयर फॉल भी होने लगेगा, स्किन वगैरह ड्राई होने लगेंगे और टेस्ट बर्ड्स एक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिफरेंट सेंसेस जो है हमारे सभी पे इसका एक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज होने लगेगी। बहुत सारे ऐसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं ये सारे सिम्टम्स के ऊपर और उनको ऐसा लगता है कि ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं, बट ये नॉर्मल नहीं होता है, ये थोड़ा एबनॉर्मल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके फर्दर जो इसका क्लिनिकल जो साइंस है उसके ऊपर बात करेंगे और इसके कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन थायराइड से सफ़र कर रहा है, हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।